गाइज़, मेरा नाम है आदित्य, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं जा रहा हूँ पावना लेक। एंड पुणे से जस्ट 60 किलोमीटर्स दूर है पावना लेक, जहाँ पे लोग कैंपिंग करते हैं। तो आज मैं अपने ऑफिस के टीम मेंबर्स के साथ जा रहा हूँ। एंड आज सैटरडे है, तो हम लोग आज रात वहीं पर रहेंगे, नाइट स्टे करेंगे, कैंपिंग करेंगे, बॉनफायर होगा, बहुत मज़ा आने वाला है। उसके नेक्स्ट डे हम लोग संडे को वहाँ से वापस आने वाले हैं। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पर रुके हैं खाना खाने के लिए, तो अभी फटाफट खाना खा कर हम लोग जाने वाले हैं पावना लेक एंड ढेर सारी मस्ती करने वाले हैं। लेट्स गो। When you with me, baby, don't you see that I'm shining? 'Cause when you with me, baby, don't you see that I'm shining? 'Cause when you with me, baby. तो गाइस, हम लोग यहाँ पे लंच करने के लिए आए थे सिंधु पंजाबी ढाबा। एंड ये सीरियसली बोल रहा हूँ, यहाँ का फूड बहुत ही बेहतरीन है। आप लोग अगर कभी भी जा रहे हो पावना लेक पुणे से, तो आप यहाँ डेफिनेटली आके खा सकते हो क्योंकि खाना बहुत ही सुपर्ब है। और यहाँ के ओनर जो है उससे भी अच्छे हैं, तो अभी हम लोग उनसे थोड़ा मिलने वाले हैं। तो ये है हमारे सिंधु पंजाबी ढाबा के ओनर। तो आप बताओ कि आप ये कितने दिन से आपका ये ढाबा चल रहा है? हम यहाँ से पिछले 12 साल से हैं। बॉलीवुड प्लस कलर Rajesh Shrivastava. Very great. Then we have that baby doll. Okay. Yeah, his calm. Then Yusuf Khan is regular tour. Then Iqbal from Jab We Met, director for that. Then Rajkumar Santoshi was back to back for 3 dinners. Okay. There are a lot of people like even Kapoor, youngest Kapoor. He was Ranbir Kapoor with Rajkumar Santoshi. He was there for that Rajniti movie. Okay. That shooting time. So he had come here. Then we had Sameer Pocher who comes regular to us. Then there's Rahul is there who was Khelo family. That Rahul. So many people from that coming along. These are the limelight. Then we have very regular is Abhinav Shukla is one of these people. He was very off-roader type. So these are the people. Now we are also regular. Though we are also regular. These are regular. Okay, so if anyone wants to come, I mean, if anyone is coming from Pune, how they will reach here? From Pune, once you are coming, you have to come on the old highway towards Lona Wala. It's 63 kilometers from Pune station, and it's just little prior, 3 kilometers prior to Karla Caves. Karla Caves is again a main junction. It is aware of, people are aware of it, and we, by the grace of God, is the biggest land area on the highway for this. As for the board and for everything. That's great. Thank you so much, sir. Thank you. It was nice meeting you. The pleasure is always ours. Oh, sir, pass away. गाइस, यहाँ पर ढाबा के बाजू में ही आपको यहाँ पर झूले वगैरह भी मिलते हैं, तो आप इसका मनोरंजन भी उठा सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। ये 3 लोग हमारे साथ आए हैं, बट सबका ध्यान कहीं और है। Okay guys, so we just made it here to our camping site and ऐसा कुछ व्यू है यहाँ से। सनसेट का टाइम हो रखा है और काफ़ी बेहतरीन व्यू के साथ। आई गेस ये सब हमारा टेंट्स होगा। वाओ यार, क्या व्यू है यार ये। When you let me Hey guys, good morning. So हम लोग कल रात बहुत ज़्यादा ही पार्टी कर लिए एंड नाउ इट्स 7:36. हम लोगों को कल रात को सोने में भी बहुत लेट हो गया था और अभी सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठना था यार, क्योंकि यहाँ पर बहुत ठंड लग रही थी इसलिए. सो अगर सबसे पहला पॉइंट, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो रात को भी ज़्यादा ठंड नहीं लगेगी, बट सुबह सुबह ठंड बढ़ जाती है, तो जैकेट वगैरह लेकर ही आना कंपलसरी है एकदम. बेसिकली यहाँ का पैकेज ऐसा है, जो हमने पैकेज लिया है तो ऐसा है कि आप यहाँ पर शाम को और 4 बजे तक आ जाओ. वहाँ उसके बाद ये लोग आपको हाई टी वगैरह देंगे. हाई टी में आपको चाय मिलता है, पकौड़े मिलते हैं. उसके बाद आपको बारबेक्यू मिलता है. बारबेक्यू जो है वो लिमिटेड होता है एंड उसके बाद डिनर भी होता है जो कि अनलिमिटेड होता है, तो उसको आप एकदम मस्त खा सकते हो पूरा. कल आप लोगों को मैं अच्छे से दिखा नहीं पाया था लेक साइड का व्यू एंड ऑल दोस थिंग्स, क्योंकि कल शाम अंधेरा हो गया था थोड़ा, हम लोग लेट पहुँचे. हम 4 बजे तक पहुँचना था, हम 5:30 हो गया था हमें आते आते. तो अभी हम लोग देखते हैं लेक साइड व्यू, लेक साइड का व्यू कैसा है, कैसा दिख रहा है एंड वही है. उसके बाद अभी हम लोग बस यहाँ पर फ्रेश होंगे एंड उसके बाद हम लोग निकलेंगे. सो हमें यहाँ से वही 11-12 बजे तक निकलना है. और अभी मैं चला थोड़ा फ्रेश होने और मेरे को ठंड लग रही है, तो मैं जा रहा हूँ वहाँ उन लोगों के साथ जो लोग वहाँ पे आग के पास बैठे हैं. चलो जल्दी. तो ये सब हमारा टेंट है यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा टेंट है. फिर और भी बाकी लोग हैं यहाँ पर. वो रहा हमारा लेक, यहाँ पर वो कल गाना वाना बजा रहे थे लोग, डांस वांस कर रहे थे. यहाँ पे बॉनफायर चल रहा है. इस तरफ आपके लिए वॉशरूम भी है. बहुत ही खूबसूरत नज़ारा. हम लोग अभी यहाँ लेक साइड आए हैं एंड वहाँ पे वो पावना डैम है. अच्छे से दिख नहीं रहा होगा आई गेस. वो जो वहाँ दिख रहा है वो एक है, वो लोगड फोर्ट है एंड यहाँ पर टिकोना फोर्ट है. ओके गाइज, तो हमारी कैंपिंग हो गई है ख़त्म. अब हम जा रहे हैं, यहाँ पे सब लोग रेडी हो चुके हैं जाने के लिए एंड इट्स टाइम टू से बाय टू दिस ब्यूटीफुल पावना लेक. बाय बाय. ओके गाइस, तो पावना लेक से आते आते हम लोग यहाँ पर रुके हैं होटल प्रकृति में, यहाँ थोड़ा बहुत चाय नाश्ता करने के लिए. अब यहाँ से हम लोगों का डायरेक्ट स्टॉप होगा हमारे घर पे. घर पे तो नहीं, इनफैक्ट हम घर के पास में सब लोग असेंबल होने वाले हैं. वहाँ से फिर सब अपनी अपनी जगह पे जाएंगे. सो पावना लेक का हमारा ट्रिप काफ़ी बेहतरीन था, काफ़ी अच्छा था. बहुत मज़े किए हमने. एक्चुअली मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि हम लोग बिजी थे मस्ती करने में. एंड एक चीज़ मैं पॉइंट वहाँ मिस कर गया कि अभी जब आते वक्त, मतलब मैंने कहा था ना कि 10-11 बजे तक हमें चेकआउट करना होता है वहाँ से, तो वो लोग ना आपको सुबह ब्रेकफास्ट भी देते हैं. तो ब्रेकफास्ट में हमें पोहा मिला था एंड वो भी अच्छा था. सब कुछ ओवरऑल एक तरीके से अच्छा ही था. विकास, आप बताना चाहेंगे कुछ कैसा लग रहा है आपको? सर ये मेरे कलीग हैं. हाय, तो आपको कैसा लगा विकास? एकदम पावना लेक एकदम मस्त था. मतलब होता है ना वीकेंड में एक थोड़ा सा चाहिए एकदम सुकून, वो मच नीडेड ब्रेक, राइट? मच नीडेड ब्रेक, राइट. हम लोग एक्चुअली एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे अभी कुछ दिनों से और हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे. मतलब हमारे वीक डेज में हम फ्रस्ट्रेट हो गए थे पूरे. दिस वाज मच नीडेड. एग्जैक्टली एंड सही में बहुत सही था. चलिए, बहुत बढ़िया. तो अब हम लोग यहाँ से डायरेक्टली जाने वाले हैं अपने स्टॉप पे, तो मैं व्लॉग यहीं पे एंड कर देता हूँ. अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए कि अगर मैं उसमें क्या भी चेंजेस कर सकता हूँ तो आप मेरे को, ठीक है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो कि मैं उसमें और क्या क्या चेंजेस कर सकता हूँ. एंड ये जो भी ट्रिप का जो भी डिटेल्स वगैरह है ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा और उनके लिंक्स भी प्रोवाइड कर दूँगा विद द मनी एंड ऑल दोज थिंग्स, कि कितना पैसा लगता है, क्या कितना वो चार्ज करते हैं, एवरीथिंग. और फ़ोटोग्राफ्स जो हमने अच्छे अच्छे लिए हैं वो आप मेरे इंस्टाग्राम पे देख सकते हो, उसका हैंडल यहाँ पर है. बस इतना ही. और ये मेरे पीछे आके मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं, चलिए मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय प्लीज़।